हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हमारे देश के सम्मानित राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी की जीवनी विंग्स ऑफ फायर, जो कि उन्होंने 1999 में लिखी थी, उसमें से एक फेमस एक्सट्रैक्ट द पावर ऑफ प्रेयर, इसकी एक समरी आप लोगों के लिए लाया हूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जी का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलुब्दीन अब्दुल कलाम जी था और इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 1931 में हुआ था। ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। 2002 से लेकर 2007 तक वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उनका देहांत 27 जुलाई 2015 को हुआ था। स्टार्ट करते हैं द पावर ऑफ प्रेयर। ये जो प्रोज है द पावर ऑफ प्रेयर, इसमें उन्होंने अपने गांव जो ये रामेश्वरम में थे, रामेश्वरम के अंदर जो उनका गांव था, वहां पर इनकी जीवन, इनका बचपन कैसे था, इन्होंने उसके बारे में बताया है। उन्होंने अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और प्रार्थना की शक्ति को बताया है। अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पापा एक बोट चलाते थे, बोट के ओनर थे। इनके फादर जैनुलुब्दीन जो थे, बहुत ही नम्र व्यक्ति थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। इनकी माँ, जिनका नाम है आशिम्मा जो हैं, वो एक होम मेकर और हॉस्पिटेबल वीमेन थी। उनको कहते हैं, उनको याद नहीं कि उनकी माँ प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी पर वो कहते हैं कि हमारे सारे परिवार से ज़्यादा घर के बाहर के लोग खाना खाते थे। इनके माता पिता एक आदर्श कपल माने जाते थे। इनकी माँ के पूर्वज जो थे, उन्हें अंग्रेजों ने बहादुर का खिताब दिया था। अब्दुल कलाम जी एक ठिगने कद के सांवले रंग के बच्चे थे और वे अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। इनके फादर किसी प्रकार की लग्जरी को पसंद नहीं करते थे। जो भी नेसेसिटी, जो भी जीने के लिए जो भी सामान चाहिए था, वो यहाँ पे अवेलेबल था, जैसे कि फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, ये सब यहाँ पे अवेलेबल था। कोई लग्जरी नहीं थी। एक का घर, एक पक्का सा घर, पक्का सारा बड़ा सारा घर था और ये अपने घर में सिक्योर चाइल्डहुड, इनका जो बचपन था बड़ा ही सिक्योर था। रामेश्वरम एक प्रसिद्ध हिंदू पिलिग्रिमेज सेंटर है, तीर्थ यात्रा स्थल है। यहाँ का जो शिव मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है। कलाम साहब के आसपास सभी बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते थे और कुछ ही हिंदू परिवार रहते थे। हिंदू मुस्लिम वहाँ बड़े खुशी खुशी रहते थे। कलाम हर रोज शाम को रामेश्वरम की पुरानी मस्जिद में जाया करते थे और वो वहाँ पर अरबी में प्रार्थना किया करते थे। उन्हें समझ नहीं आती थी अरबी, लेकिन वो ये मानते थे कि ये प्रार्थनाएं भगवान तक पहुँचती हैं। प्रार्थना के बाद अलग अलग धर्म के लोग पानी का कटोरा लेकर इनके पिताजी के बाहर सामने खड़े हो जाते। इनके पिताजी कटोरे में अपनी उंगल डालते और प्रार्थना करते थे। वे लोग ऐसा मानते थे कि ये एक पवित्र जल है जिससे उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो
कलाम जी के पिताजी को धन्यवाद किया करते थे, पर कलाम के पिताजी कहते कि अगर आपने धन्यवाद देना है, प्रशंसा करनी है, तो उस सर्वशक्तिमान अल्लाह की कीजिए। कलाम बड़े हैरान होते थे कि उनके पापा के अंदर क्यूरेटिव पावर्स हैं, लोगों की बीमारियां ठीक करने की शक्ति है, और वो इतने ज़्यादा ह्यूमिलिटी वाले पर्सन, विनम्र व्यक्ति हैं। कलाम के पिताजी रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके बहुत अच्छे मित्र थे। आपस में बैठकर वो धार्मिक मुद्दों पर बहुत डिस्कस किया करते थे। कलाम ने अपने पिताजी से प्रार्थना का अर्थ पूछा। उनके पिताजी ने कहा कि प्रार्थना जो है वो लोगों और भगवान के बीच में एक प्रकार की आध्यात्मिक मिलाप है। प्रार्थनाएं धन धर्म जात पात इनसे ऊपर उठ जाती हैं। हम सब इस दुनिया के एक हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति को परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से डरना नहीं चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये तो सेल्फ कम्युनिकेशन, खुद से बातचीत करने की और प्रगति की अपॉर्चुनिटी हैं। कलाम साहब के पिताजी के अनुसार मैं तो भगवान और लोगों के बीच में एक मैसेंजर, एक संदेश वाहक का काम करता हूँ। प्रार्थना से शैतानी ताकतें हार जाती हैं और आराम और कामयाबी मिलती है। इस तरह से कलाम साहब ने प्रार्थना की शक्ति को अपने पिताजी से समझा। इनके पिताजी बड़े ही सिस्टमैटिक पर्सन थे। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर वो नमाज पढ़ते थे, फिर अपने नारियल के बगीचे में जाकर एक दर्जन नारियल लेकर आते थे। कलाम ने अपने पिता को अपना आदर्श माना। उनसे उन्होंने विश्व के कुछ फंडामेंटल ट्रुथ भी सीखे। बाद में उन्होंने इसका प्रयोग साइंस और टेक्नोलॉजी में किया। कलाम साहब के पापा ने अपने रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन की मदद से एक लकड़ी की नाव बनाई और रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में वो यात्रियों को लाया ले जाया करते थे। वो उससे अच्छा बिजनेस करते थे। एक दिन तूफान में नाव टूट गई। उन्होंने यात्रियों को बचाने की कोशिश की और यात्रियों को पूरे दिल से बचाया। जलालुद्दीन और कलाम गहरे दोस्त थे, साथ साथ चला करते थे। वो भी जब हिंदू यात्रियों के साथ शिव मंदिर जाते थे तो आध्यात्मिक मुद्दों पर डिस्कस करते थे। वो रिचुअल्स को देखते और वो ये विश्वास करते थे कि प्रार्थना की जो शक्ति है वो भगवान तक पहुंचती है। इस तरह कलाम साहब का जो दृष्टिकोण था वो बड़ा खुला था। वो एक ऐसे व्यक्ति बने जो सब धर्मों के लोगों को प्यार करते थे। जलालुद्दीन को तो ज़्यादा शिक्षा नहीं मिली, पर उन्हें इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की और कलाम को अपनी शिक्षा में एनकरेज किया। उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरी, जो नई नई वैज्ञानिक खोजें थी, वर्तमान साहित्य और मेडिकल अचीवमेंट्स को भी बताया। कलाम S.T.R. मनीकम नाम के एक क्रांतिकारी व्यक्ति से बहुत सारी किताबें उधार लेकर पढ़ा करते थे। शमशुद्दीन कलाम के कजन थे, न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। कलाम ने भी बचपन में न्यूज़पेपर बेचकर पैसा कमाया। वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर टैमरिंड सीड्स की बड़ी डिमांड थी और कलाम उन्हें उठाकर इकट्ठा कर बेचकर पैसे कमाया करते थे।
कंक्लूजन की बात करते हैं। इस तरह से इन जेन्युइन व्यक्तियों ने कलाम साहब का व्यक्तित्व का निर्माण किया। अपने पापा से उन्होंने खुद पर कंट्रोल करना सीखा, माँ से अच्छाई और दया में विश्वास रखना सीखा। जलालुद्दीन, शमशुद्दीन, एसटीआर मनीकम के साथ से ने उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। उनकी सक्सेस का मुख्य कारण उनकी प्रैक्टिकल विजडम थी। सो उम्मीद करता हूँ भाइयों, हम कलाम साहब की जीवनी से प्रेरणा लेकर अपने आप को कामयाबी के रास्ते पर लेके जाएंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। कलाम साहब अमर रहें।